हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विच इज़ अंकित एंड स्वप्निल। सो ये है फ्राइडे की इवनिंग। एक्चुअली हम फ्राइडे को जैसे स्पेंड करते हैं अपना फ्राइडे सैटरडे, सो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर करूं। तो फ्राइडे को यूजुअली हम पहले मूवी देखने जाते थे जब पैंडेमिक नहीं था, तो अब तो हम जा नहीं सकते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम घर पे ही मूवी थिएटर जैसा बनाएं। ये हर फ्राइडे को करते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। तो यहाँ पे मैंने एक बेडशीट बिछा दी है। इस जगह पर मेरे एसी की बहुत अच्छी हवा आती है, तो इसलिए हम यहीं बैठते हैं। मैंने कुशन्स भी लगा दिए थे, और अब मैं थोड़ा सा रूम वगैरह सेट करके जितना फैला रहता है पूरा दिन वो ठीक कर रही थी। अंकित भी अपना काम करके आ रहे थे, वो भी अपना काम कंप्लीट कर रहे थे फ्राइडे को। और यहाँ पर मैं नहाने चली गई थी क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो चुकी हैं, और मतलब स्किन केयर रूटीन कर रही थी, लाइक सीरम वगैरह लगा रही थी और गुलाब जल से फेस क्लीन कर रही थी, क्योंकि इतना दिन सुबह से काम करने के बाद आपके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा हाई रेज पड़ती हैं, तो आपके चेहरे को डैमेज ना हो वही मैं यहाँ कर रही थी। और अंकित के सैनिटाइज़र बार बार यूज़ करने से ना बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, हाथ पे छोटे छोटे दाने हो गए थे, तो मैं वही बर्फ़ लगा रही थी। अब अंकित भी नहा के आ चुके थे, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे रूम से रात का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, और हमेशा ऐसा लगता है कि दिवाली हो रही है। और उसके बाद मैं किचन से जो भी स्नैक्स रखे होते हैं उनको ले आती हूँ। जब भी कोई सामान आता है हम पहले ही क्लीन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार और क्लीन करती हूँ। उसके बाद हम दोनों यहाँ बैठ जाते हैं और फिर कोई भी मूवी चूज़ करते हैं और फिर मूवी देखते हैं। साथ ही साथ हम स्नैक्स वगैरह भी प्रेफर करते हैं कि हम मूवी देखते हुए कुछ स्नैक्स वगैरह खा लें। सो अब हमारी मूवी स्टार्ट हो चुकी थी और हम मूवी देख रहे थे और स्नैक्स खा रहे थे। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग सैटरडे को। सुबह ब्रेकफास्ट में पनीर के पराठे बन रहे थे और चाय बन चुकी थी। अंकित का फेवरेट नाश्ता है पनीर का पराठा। सो और मेरी मेड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाती है। फिर हम लोग थोड़ी देर मॉल के लिए निकल गए क्योंकि नेक्स्ट डे से लॉकडाउन लगने वाला था, तो ये उसी की क्लिप्स हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है सैटरडे और हमें कुछ शॉपिंग करनी है, तो हमने सोचा आज चले जाते हैं वरना संडे को हो जाएगा लॉकडाउन। तो मैं अंकित अब निकल चुके हैं मॉल के लिए। तो स्वप्निल का एक्चुअली कुछ सामान था जो उसको एक्सचेंज करना था, तो भी वो कुछ सामान खरीदती है और फिर वो एक्सचेंज करने जाती है, तो ये बहुत ही इरिटेटिंग लगता है मुझे। आई थिंक कि एक बार सामान खरीद लो उसके बाद यू शुड यू नो जस्ट यूज इट, यू शुड नॉट गो फॉर एक्सचेंज, बट उसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो आई एम टेकिंग हर और देखते हैं अब वो इसको एक्सचेंज करके क्या लेती है, और उसके बाद कहीं वो उसको तो एक्सचेंज नहीं कराने जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब भी मैं कोई सामान खरीदती हूँ तो पहले मैं खरीद तो लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मैं इसको कहाँ यूज करूंगी, और जब मुझे नहीं समझ में आता है कि मुझे इसे कहाँ यूज करना चाहिए, तब मेरे दिमाग में आता है कि इसको लेट्स एक्सचेंज। इतना ही क्यों है जब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ यूज करना है, तो यही तो ब्यूटी है उसकी, शॉपिंग करने की। एक सामान खरीदो, एक सामान एक्सचेंज करो, एक सामान खरीदो एक्सचेंज करो, और ऐसे ही अपने पति को इरिटेट करो। आज मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। मेरे को अपने कपड़ों में कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूं। मैंने एक अंकित की टी शर्ट पहन ली है, ये आपने बहुत सारे फोटोज में भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे, अंकित के अकाउंट पे उन्होंने इस फोटो में फोटो खिंचाई है। इस वाली टी शर्ट में फोटो खिंचाई है, तो कैसा लग रही हूँ मैं? जिस इंसान के पास इतने हजारों कपड़े हैं उसको फिर भी मेरे कपड़े पहनने की जरूरत पड़ रही है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। और मेरे पास तो थोड़े गिनी चुने कपड़े हैं और मैं ऐसे कपड़े चुरा भी नहीं सकता हूँ, पहन नहीं सकता हूँ, तो इट्स ओनली माय लॉस। और अभी जो तुमने शर्ट पहनी हुई ना, वो भी मेरे पास आई, एक दिन मैं वो भी पहनूंगी। नेवर एवर। तो मुझे फिर ये शर्ट कब दोगे? इसको मैं पोछा बना दूंगा, लेकिन तुमको कभी नहीं दूंगा। मैं पोछा ही पहन लूंगी। गाड़ी
पूरी गाड़ी धुल गई हमारी, धुली ही है बस, डिसइंफेक्ट नहीं हुई है। इन सब में पता नहीं पानी वानी भरा होता है क्या होता है। डिटॉल का घोल होता है। क्या ऑर्डर किया है? मैंने किया है फलाफल रैप और ऑरेंज जूसेस, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, वी शुड ड्रिंक समथिंग गुड। और कुछ खाने के बाद जो सामान मुझे रिटर्न करना था उसके लिए हम अपनी शॉप पे चले गए थे। तो आप जब भी किसी शॉप पे जाओ, आपको एकदम फैसिनेटिंग सा होता है कि ये भी ले लो ये भी ले लो। और ज़ारा में नया कलेक्शन हर वीक चेंज हो रहा था, तो मेरा मन कर रहा था मैं सब कुछ ले लूँ, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी कि मैं क्या रिटर्न करके क्या ले सकती हूँ। तो यहाँ मैं वही कर रही थी और मैं अंकित से भी ओपिनियन ले रही थी कि वो कैसा लगेगा मेरे पर, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। फिर उसके बाद मैंने अंकित से भी कहा कि आप भी थोड़ी शॉपिंग कर लो, ऐसा ना लगे सिर्फ मैं ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे वो वही देख रहे थे अपने लिए, और कितने ये वाली शर्ट ली आपने देखी होगी ब्लू वाली उनके कई वीडियोस में। इस टाइम स्पेंड करने के बाद मॉल पे हम लोग वापस आ गए थे, क्योंकि ज़्यादा देर बाहर घूमना भी सेफ नहीं है, तो जो काम था सिर्फ वही किया और फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। तो गाइज अभी शाम का समय हो रहा है और स्वप्निल ने डिसाइड किया है कि वो मिर्ची के पकौड़े बनाएगी, तीखे तीखे मिर्ची के पकौड़े जैसे कि वो खुद है। तो यहाँ देखिए मिर्चियाँ ही कट कर रही है, आलू मैंने उबालने के लिए लगा दिया है। वैसे स्वप्निल बहुत ही रेयर है कि इनिशिएटिव लेके मिर्ची के पकौड़े बना रही है या कुछ बना रही है। तो स्वप्निल संडे को आप बना सकते हो, सैटरडे है ना, संडे को आप बनाना कुछ अच्छा। बू यू बू। यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, आलू स्वप्निल ने मैश कर दिए हैं, मिर्ची भी कट चुकी है, आलू उबल चुके हैं, बेसन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। स्वप्निल आई थिंक आज के पकौड़े तो एकदम लाजवाब होने वाले हैं। सारे तुम ऐसे ही खा जाओगी तो फिर पकौड़े में क्या भरेंगे? ये क्या कमी है? मिर्च लगा है, मिर्च तो ये हो जाएगी। अभी खा के देखो, ये लो। ठीक है, नमक कम है, चटपटा भी नहीं है, और नमक डालो और थोड़ा स्पाइस डालो, इसको बिल्कुल फीका फीका लग रहा है, भड़ता लग रहा है। हाँ तो ऐसे ही तो डलेगा अंदर, ला थोड़ा सा आलू मसाला और भर देते। और यहाँ पे तेल गरम हो चुका था और मैंने मिर्ची भरना स्टार्ट कर दिया था। अंकित ने बेसन का घोल जैसा मैंने उन्हें बताया था वैसा उन्होंने पतला सा बना दिया था। तो अब अंकित पहला श्री गणेश करने जा रहे थे, मतलब पहला डालने जा रहे थे, और ये सारी हो चुकी थी। तो गाइस यहाँ पे मिर्ची ख़त्म हो गई थी लेकिन आलू बच गए थे, तो सपने ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और यहाँ पे उसने उसको ब्रेड पकौड़ा बना दिया है, विच आई रियली लव। सो क्रिएटिव सपने। और यहाँ पे मिर्ची के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। सो मिर्ची के पकौड़े अब हो चुके थे, अब उसको बस सर्व करना था। तो यहाँ पे मैं वही निकाल रही थी धीरे धीरे, इनमें काफ़ी टाइम लगता है लेकिन ये जब बन जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अब मिर्ची के पकौड़े रेडी हैं और यहाँ पे हम पापा को दे रहे थे खाने के लिए और उनसे पूछ रहे थे कि वो कैसे बने हैं। उसके बाद हम लोग बाहर बैठ के सारा नाश्ता कर रहे थे और बातें वगैरह कर रहे थे। सो या गाइस, यही था हमारा छोटा सा व्लॉग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी करिए हमारा चैनल।